हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं अभी BRC में साइंटिस्ट हूँ। और आज का जो ये वीडियो है, इसका मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि मैंने अपना BRC 2020 का जो इंटरव्यू है वो कैसे क्रैक किया, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया, और इंटरव्यू में जाने के लिए जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया और कैसे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। तो वो एक जर्नी है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो BRC 2020 का एग्ज़ाम था वो मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया था, और जो गेट का एग्ज़ाम है वो मेरा ख़राब हो गया था। गेट 2020 अच्छा नहीं हुआ था मेरा, और गेट 2020 देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, तो ठीक है मैं BRC 2020 का जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी प्रिपेयर करता हूँ उसके लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं लास्ट टाइम उससे पहले 2019 का जो BRC का रिटर्न एग्ज़ाम था वो मैं ऑलरेडी क्रैक किया हुआ था, तो मुझे उसकी स्ट्रेटजी के बारे में पता था कि कैसे उसको क्रैक करना है। तो मैंने वही सेम स्ट्रेटजी इस पर फॉलो किया, और BRC का जो एग्ज़ाम था और जो गेट का एग्ज़ाम था उसके बीच में जो डिफरेंस था टाइम का, उसमें मैंने पहले 10 से 12 दिन थोड़ा अपना माइंड फ्रेश किया, कुछ पढ़ाई नहीं किया, और उसके बाद वापस से मैंने अपने जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट किया, और जो सेलेक्टेड क्वेश्चन थे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वही मैंने क्वेश्चन ट्राई किए। मैंने बहुत हार्ड क्वेश्चंस या फिर मैंने ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सब मैंने ट्राई नहीं किए, और इसके लिए मैंने एक अपना डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने अपना BRC का रिटर्न एग्ज़ाम क्रैक किया है उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद 16 मार्च को मेरा 2020 में BRC का रिटर्न एग्ज़ाम था, वो मैंने एग्ज़ाम दिया। देन उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद ही मुझे इतना श्योर हो गया था कि हाँ मेरा इस एग्ज़ाम में कट ऑफ से ऊपर चला जाएगा मार्क्स, और मैं इंटरव्यू के लिए मेरे कॉल आएगा। उसको देने के बाद मैं 17 या 18 मार्च को कोटा गया था, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा टीचिंग लाइन में है, तो मैं कोटा गया था कि जब तक के लिए इसका कॉल आता है तब तक मैं कुछ कोटा जाके कोचिंग के लिए मेरा प्लानिंग था। तो उसके बीच में क्या हुआ कि 20 को फिर उसके बाद कोविड हो गया, कोविड के बाद ये सब कुछ क्लोज ही हो गया था। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं खाली बैठा रहूं या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि कुछ अर्निंग भी हो और कुछ मेरा जो टेक्निकल है वो भी स्ट्रांग हो जाए। तो उस टाइम पर मैंने एक प्लेटफॉर्म था चैग, तो चैग पर मैंने अपना एक आईडी बनाया, और सबसे पहले मैंने चैग पर आईडी जो बनाया था वो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, और वो कुछ 4 से 5 दिन में मेरी आईडी एक्टिवेट हो गई थी। और देन उसके बाद मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2018 का मैंने गेट दिया था, 19 का दिया था, 20 का गेट दिया था, और उसके बाद 19 का मैंने जो BRC का रिटर्न एग्ज़ाम था वो क्रैक किया था, और 20 रिटर्न एग्ज़ाम में दे के आया हुआ था अच्छे से। तो उसके बाद क्या है कि चेक पर एक फिलोसफी है जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए यूजफुल रही। BRC जो मेरा इंटरव्यू था उसमें जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे साइंटिस्ट ने उन लोगों ने, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये इसलिए मैंने चेक को यहाँ पे थोड़ा इंट्रोड्यूस किया आपके साथ। तो उसमें क्या था कि उसमें ये रहता है कि आपके पास सिंपल क्वेश्चन भी आएगा तो आपको उसको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में उसका आंसर देना होता है, क्योंकि वो जैसे ही जो आप आंसर अपलोड करोगे वो आपके स्टूडेंट के पास जाएगा, और जो स्टूडेंट होता है वो उस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाया नहीं समझ पाया, समझ पाया तो थम्स अप देगा, नहीं समझ पाया तो डाउन कर देगा आपको। तो उसी के बेसिस पे आपको जो भी अमाउंट होता है आपका पर क्वेश्चंस का वो मतलब डिपेंड होता है। तो मैंने क्या बहुत ही अच्छे से उसके आंसर लिखना सीखे। तो मैंने जनरली अपना इस चेक को इस तरीके से रखा था कि मुझे BRC का इंटरव्यू देना है। अभी कोविड चल रहा है, इंटरव्यू कब होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ होगा जरूर, क्योंकि मेरा आराम से जितना कट ऑफ था उससे मेरे ऊपर मार्क्स आने वाले थे BRC में, और मेरा टारगेट था इस पर BRC 2020। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पूरा अच्छे से कुछ अराउंड
3 to 4 months के आसपास मैंने कंटिन्यूस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन किए, और मैंने जो जो टॉपिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर रहते हैं जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन, इनको मैंने बहुत अच्छे से उसके जितने भी क्वेश्चन आते थे वो जो सिलेबस में हैं अपने उसमें मैं इसको सॉल्व करता था अच्छे तरीके से। तो मेरा वहाँ पे अर्निंग भी हो रहा था, मेरा कुछ पर मंथ में अराउंड 40-45,000 पर मंथ के आसपास का अर्निंग भी हो रहा था, और मुझे डेप्थ में थोड़ा नॉलेज भी मिल रही थी। जब तुम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखते हो तो तुमको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे किया, वो सब तुमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जो कि सेम चीज़ है कि जब तुम BRC का इंटरव्यू देने जाओगे वो भी सेम ही चीज़ होता है कि जो भी तुम वहाँ पर लिख रहे हो ना उसको तुम डिस्क्राइब करो कि वो क्या है, सिंपल सिंपल चीज़ों को भी पूछ लेते हैं वो बेसिक्स चेक करने के लिए। तो ये सब ये एक फेज था, ये फेज चला। उसके बाद मैंने अपनी एक आईडी फिजिक्स की भी बनाई थी जो 11th 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं उसको फिजिक्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि कोविड लंबा जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से फिर मैं बाद में दोनों को कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन करता था, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन करता था, इस तरीके से कोटा में था मैं। तो ये हुआ, और उसके बाद क्या है कि 17th नवंबर को इसका रिजल्ट आता है BRC 2020 का, कि जो लिस्ट है वो आ गया है और जो लोग शॉर्ट लिस्ट किए इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट जारी कर दिया है BRC ने। तो मेरा गेट तो ख़राब था, उसके थ्रू तो मुझे कोई उम्मीद थी नहीं, हाँ, लेकिन इसके थ्रू मेरी उम्मीद थी। और वही हुआ कि मेरा उसके बाद 17th को जो रिजल्ट आया उसमें मेरा नाम था कि हाँ आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो, जैसा कि प्लान था। तो अभी लेकिन जो मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 3 to 4 month तो मैंने चेक पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन बाद में मैं फिजिक्स की तरफ शिफ्ट हो गया था तो लास्ट जो 3 to 4 month थे वो थोड़ा कम मैंने उसमें ध्यान दिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर, एक तरीके से थोड़ा साइड कर दिया था। ठीक है, तो ये चला। उसके बाद क्या 17th को जैसे ही इसका BRC का रिजल्ट आया, अब मेरा टारगेट बन चुका था कि अब मुझे इस बार BRC का जो इंटरव्यू है वो मुझे क्रैक करना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसका एग्ज़ाम क्रैक किया था लेकिन मैं इंटरव्यू में एक तरीके से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा था 45 मिनट्स तक, बट उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी था और उस पर मैं फंस गया एक तरीके से, और उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और वो काफ़ी कुछ हेल्प किए जो वहाँ पे पैनल था साइंटिस्ट थे, बट एक तरीके से क्या इतना लंबा इंटरव्यू मेरा फर्स्ट था जो टेक्निकल था पूरा एकदम, तो मैं कोलैप्स कर गया था एक तरीके से आप ये मान सकते हो, और उसके बाद मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया उसमें, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार में ये था कि मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाऊँगा और कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, इस साइड से मेरा प्लान था। तो 17th को मेरा रिजल्ट आया नवंबर को, और अब मेरा प्लान नेक्स्ट प्लान ये था कि उसमें डेट आया था कि 1st दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 30 दिन इसके इंटरव्यू होने वाले हैं। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये था कि मैंने कुछ बीच में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो अभी क्या करता हूँ मैं अपना जो डेट है वो लास्ट का लेता हूँ। तो उसके लिए कुछ 21 को विंडो ओपन होने वाला था, 21 या 22 को, कि जिसमें आपको अपना जो इंटरव्यू का डेट होता है उसको सेलेक्ट करना होता है रिजल्ट आने के कुछ 3 से 4 दिन बाद वो विंडो ओपन होता है। उसमें ये रहता है कि हर कोई बच्चा चाहता है कि वो बैक साइड में डेट ले, मैक्सिमम प्रिपरेशन के लिए उसको टाइम मिले, और कुछ बच्चों के उससे पहले रिव्यू मिल जाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या उनका थिंकिंग है इस बार को लेके, वो सब चीज़ें। तो मेरा भी यही था, और मैंने उस दिन क्या हुआ कि मैं 21 को ये विंडो ओपन होने वाला था सुबह शायद 9 के आसपास, तो मैं 20 को पूरी रात सोया नहीं रात को। ठीक है, मैं 17th को ही बहुत अच्छे से पढ़ाई के लिए मतलब BRC के इंटरव्यू के लिए पढ़ना शुरू कर चुका था, और उस दिन मैंने स्पेसिफिक टारगेट रखा था कि मैं 20 को फुल नाइट पढ़ूंगा और उसके बाद 21 को जैसे मॉर्निंग में मैं इसका जो एग्जाम जो इंटरव्यू का डेट है वो सेलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद सोऊंगा मैं। तो मैंने ओपन किया साइट, और शायद जैसे ही मतलब 9 बजे के आसपास उन्होंने टाइम दिया था, मैं 9 बजे से ट्राई करना शुरू किया लेकिन वो ओपन नहीं हुआ, कुछ 10 to 15 मिनट्स के बाद ओपन हुआ। मैंने जैसे ही वो ओपन हुआ मैं तो ट्राई कर रहा था, और फर्स्ट मुझे लगा कि मैंने फर्स्ट शायद लॉगिन किया होगा, फिर मैंने सेलेक्ट किया डेट 30 को, मैंने अपना डेट सेलेक्ट किया, वो सेलेक्ट हो गया, सेव हो गया, देन मेरा एक टेंशन खत्म हो चुका था कि मेरे पास अब
टाइम है, 1 महीने 9-10 दिन का टाइम है, अब मैं आराम से प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो जब ये हो गया तब मैंने अब पढ़ाई मैंने 17 से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हाँ प्लानिंग ये था कि पहले इंटरव्यू का जो डेट है वो फिक्स हो जाए, उसके बाद प्लानिंग करूँगा कि मुझे अपना इंटरव्यू की प्रिपेयर जो है कैसे प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए ये हुआ 21 को फिर मैं नाइट मतलब दिन में सो गया मस्त, शाम को उठा। अब मैंने पूरा प्लानिंग किया कि जैसा कि कोरा पे क्वेश्चंस हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो अपलोड किया हुआ है कि कैसे उनका इंटरव्यू रहा, क्या उनकी मतलब कैसे पूछते हैं, वो सब चीज़ें इंटरव्यू के लिए गाइडेंस है। तो मैंने वो एक दो वीडियो देखा, देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया। ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू दे चुका था तो मुझे सब पता था कि किस किस तरीके से उनकी थिंकिंग होती है, क्या वो जानना चाहते हैं और क्या उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। तो ये हुआ, तो मैंने ऐसा प्लान किया कि मुझे कुछ 5 सब्जेक्ट उनको फिक्स करने होते हैं अपने। तो मैंने जो 5 सब्जेक्ट अपने फिक्स किए थे वो मेरा था थर्मोडायनेमिक्स रखा मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन डिजाइन। तो ये मैंने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे कि मैं इन 5 सब्जेक्टों के साथ जाऊंगा इंटरव्यू में। तो इसमें क्या होता है, जनरली आपको अगर 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो 5 सब्जेक्ट में जो 3 होते हैं वो फ्लूइड साइड मतलब जाओगे आप और 3 डिजाइन साइड जाओगे, तो इनमें से आपको कोई सेलेक्ट करने होते हैं, 3-2 का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो मैंने रखा जाता है फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर को। इधर मैंने 2 सेलेक्ट किए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन को, थ्योरी ऑफ मशीन मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। तो ये मैंने 5 सब्जेक्ट रखे। अब मैंने इसको कैसे प्लान किया था इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए मैंने प्लान किया था इनको कि मैं मतलब इनको मिक्स पढ़ूंगा, मतलब अगर मैं हीट ट्रांसफर पढ़ रहा हूँ तो इधर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ूंगा सेम डे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जो पढ़ूंगा वो वापस से हीट ट्रांसफर या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ूंगा। तो मैं 2 या 3 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल रहा था। उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि अगर तुम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स से टच में रहते हो। अगर तुम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तुम हीट ट्रांसफर के टच में रहते हो, ऐसे मिक्स रहता है, बट तुम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन टच में नहीं रहते हो। इसलिए क्या है, तुमको मिक्स करना होता है। जब तुम मशीन डिजाइन पढ़ रहे हो तो तुम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को साइड रख सकते हो, उसमें से किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके। तो मैंने मिक्स स्टार्ट किया पढ़ना, और मैंने क्या है, 1 by 1 सभी जितने मेरे 5 सब्जेक्ट थे उनके लिए मैंने एक किसी फैकल्टी को सेलेक्ट किया जिसकी जो NPTEL है उस पर वीडियो है। NPTEL की जो वीडियो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो भी लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं या इस वीडियो को तब देखेंगे जब जो लोग रिटर्न एग्जाम देने के बाद देखेंगे, जो उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो NPTEL की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें कुछ दिक्कत है कि वो बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा पुरानी वीडियो है, उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो सब चीज़ें हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, बट उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना BRC का इंटरव्यू क्रैक करना है, ये आपका प्राइम टारगेट है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया था कि एक एक NPTEL पे जाके जो फैकल्टी उनको सेलेक्ट किया था मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक बुक, जो भी आपका बहुत अच्छी बुक रखना, एक कोई फॉरेन ऑथर की बुक रखना और एक कोई इंडियन ऑथर की बुक रख सकते हो आप, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करना और उसमें से आप साइड बाय साइड चलना, जैसे कि अगर आज आपने कोई लेक्चर देखा है यूट्यूब पे NPTEL का, तो साथ में आज आप उस चैप्टर को एक किसी बुक से पढ़ना, क्योंकि बुक से पढ़ने के बाद क्या होता है कि उसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा शेप देती हैं, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएंगी। और आप NPTEL पे जो पढ़ते हो वो स्टार्टिंग में आपका एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, और बाद में जो बीच में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपको अप्रोच बताते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है, क्योंकि जनरली NPTEL का जो मैंने देखा था वो हमेशा एक पहला क्वेश्चन सिंपल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हार्ड लेते हैं, जिसमें सब कुछ जितना पढ़ा है वो सारा का सारा उसमें एक्सप्लेन करते हैं, उसमें यूज होगा। तो आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से मत लेना कि बहुत डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा BRC, लेकिन आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से लेना कि जो ये क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन लेने वाले NPTEL वाले, उसके लिए सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या है। वो आप कभी देखना है NPTEL का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी लेंथी दिखता है, जब वो NPTEL का जो फैकल्टी होता है वो उसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब आप उसको स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को वन बाय वन उनके साथ, तो आपको लगेगा कि हाँ कितना ईजी है, क्योंकि आपने अप्रोच दिखाया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
धीमे धीमे एक के बाद एक के बाद एक स्टेप आपने लिया, तो वो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि कोई भी हार्ड क्वेश्चन आप देखते हो BRCM जो पूछ लेते हैं वो, तो उसके लिए कैसे आपको अप्रोच करना है वो बताते हैं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इस तरीके से आगे बढ़ना है कि आपको जो डेटा दिया है पहले वही लिख लो इस तरीके से, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है इस तरीके से। तो वो सब काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप उसको स्पीड को 1.25 स्पीड से देख सकते हो, बट स्किप मत करना, आगे 10 सेकंड्स बढ़ा के यूट्यूब पे वीडियो मत देखना, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद क्या, एक बुक साथ जरूर रखना, तो मुझे लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स के लिए PK Nag सफिशियंट है, बाकी आप चाहो तो कोई फॉरेन ऑथर्स की बुक आप प्रेफर कर सकते हो, बाकी जो जितनी भी बुक्स हैं फॉरेन ऑथर की मैं इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जो सारी बुक्स को ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया, तो मैंने इस तरीके से अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। जैसे क्या हुआ कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्यों, क्योंकि अभी क्या है आपके पास टाइम दिख रहा है कि भाई मेरे पास 1 महीने 9 दिन का टाइम है, मैंने स्टार्ट किया। अब मैंने बताया था आपको कि मैंने NPTEL को स्टार्ट किया साथ में लेके, तो मैंने डिवाइड किया था पहले कि मेरे पास नंबर ऑफ लेक्चर इतना है, तो कुछ अराउंड 400 के आसपास नंबर ऑफ लेक्चर आएगा, 400 लेक्चर मतलब कि 400 × 1 आवर, मतलब 400 आवर के आसपास आपका सारा कुछ ये इकट्ठा होता है घंटा, ठीक है। तो मैंने प्लान किया कि ठीक है, मैं अगर आज मैं हीट ट्रांसफर पढ़ूंगा तो मैं हीट ट्रांसफर का 2 वीडियो देखूंगा, एक सुबह एक शाम, और उसके साथ अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहा हूँ तो उसके भी मैं 2 वीडियो देखूंगा, एक सुबह एक शाम, तो 4 वीडियो मेरे फिक्स हो गए। देन उसके बाद मैं बुक पढ़ूंगा, और उसके साथ में उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में कभी क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, तो मैं वो थोड़ा बहुत वो भी सॉल्व करूँगा। इस तरीके से मैंने प्लानिंग किया, तो ये आप मान सकते हो कि जैसे 21 के बाद जो मैंने स्टार्ट किया, तो मैं पर डे के हिसाब से कुछ 24 आवर में से मैं कुछ अराउंड 12 to 14 आवर पढ़ रहा था, और वो भी बहुत डेडिकेशन के साथ, ठीक है, कि मतलब मैंने टारगेट जो लिया वो मुझे अचीव करना है, चाहे रात कितने बजे हो गए वो। ये करते करते मेरे को अराउंड 1 or 2 week हो गया। 2 weeks के बाद मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि हाँ, मेरे 2 topics काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, ठीक है। तो वो मैं क्या मिक्स चल रहा था, हीट ट्रांसफर और फ्लूड को साथ लेकर चल रहा था, इधर और इधर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही पढ़ रहा था मैं। तो इधर मुझे लगा कि क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है जब अब तुम फ्लूड मैकेनिक्स को और हीट ट्रांसफर को साथ लेके पढ़ते हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से क्या बाद में मिक्स होते हैं। फिर क्या किया, मैं थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ा पीछे स्लो किया और मशीन डिजाइन को स्टार्ट किया हल्का सा, और उन दोनों को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की, फ्लूड मैकेनिक्स को और हीट ट्रांसफर को। तो ऐसे करते करते मेरा कुछ अराउंड 10 दिसंबर आ चुका था और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन क्या है, अब मेरे जो नंबर ऑफ आवर था पर डे का, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया था। मैं अराउंड 16 to 18 आवर पर डे पढ़ रहा था इसके लिए। अब इसके अलावा मतलब कुछ नहीं कर पा रहा था मैं, मतलब इसका कुछ काम नहीं कर रहा था वहाँ पे, फुल टाइम में कोटा ही था, पढ़ ही रहा था बस। और मैं रात को सोने का भी मेरा कोई फिक्स नहीं था कि रात को मैं 3 बजे के आसपास सो रहा हूँ, और सुबह मेरा एक फ्रेंड था वो मेरे को सुबह ऐसा फिक्स था कि तू भाई सोएगा कितने बजे भी, लेकिन मैं तुझे सुबह फिक्स 6 बजे उठा दूंगा। हम सुबह उठते थे 6 बजे, उसके बाद पोहा चाय वगैरह मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस आके मैं पढ़ना शुरू करता था, और वो जो आधा घंटे का टाइम था उसके साथ वो हम डिस्कस करते थे कि रात कौन सा क्वेश्चन है जो मैं फंस गया हूँ। तो वो भी मैकेनिकल इंजीनियर था, वो भी फैकल्टी था यहाँ पर कोटा में। तो उस बंदे को पहले मैं बताता था उसका बेस कि भाई ये टॉपिक है, इसका बेस ये है, वो लिंक करता था, देन उसके बाद हम डिस्कस करते थे। उसका भी कोर नॉलेज काफ़ी अच्छा था, तो हम डिस्कस करते थे, कभी कभी उसका आंसर मिल जाता था, कभी कभी उसका आंसर नहीं मिलता था, ये चल रहा था। अभी क्या है, जैसे ये हो गया, फिर मैंने इधर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया था, और उधर से मैंने मशीन डिजाइन को थोड़ा स्पीड कर दिया था और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लोजिंग की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया। और जैसे ही चल रहा था, अभी मैंने स्टार्ट किया था एक न्यू, कि मैं डेली एक चैनल है यहाँ पे मैकेनिकल पेंटोमैथ, उसने पर्सन ने स्टार्ट किया था कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जो कोरा पे पड़े हैं, बंदों ने अपने डाले हुए कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, उसने वो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना शुरू किया था, एक वीडियो बनाना शुरू किया था कि भाई जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो वीडियो डालता था। तो मैंने वो स्टार्ट किया, वो कुछ 15 हैं उसके वीडियोस पे, तो मैं डेली एक अटेम्प्ट करूँगा इस तरीके से। तो मैं वो डेली एक अटेम्प्ट करता था, और उसके बाद अटेम्प्ट करने के बाद उसको जो जो प्रॉब्लम्स में आती थी उनको मैं
मतलब अपने आप से डिस्कस करता था कि अच्छा ठीक है, वो मेरे से और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरीके से मैं उनका आंसर देता था। अगर मैं अपने ही क्वेश्चन में फंस रहा हूँ तो फिर मैं पढ़ता था, NPTEL पे जाके दोबारा देख रहा हूँ या फिर कोई मतलब बुक से देख रहा हूँ कि अच्छा ठीक है इसका आंसर क्या हो सकता है इस तरीके से। तो अब मेरे धीमे धीमे मैंने कुछ 15 दिसंबर के बाद मैंने स्टार्ट किया था कि अब इंटरव्यू में मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज रहेगा आपके लिए, आप जब पढ़ लोगे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि आपने बहुत ज्ञान ले लिया, आपको लगता है कि अब सफिशियंट हो गया है, तब आपको एक स्टार्ट करना है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं आप उनका आंसर देना शुरू करो। तो आपको समझ में आएगा कि वो जितना आपने पढ़ा है वो शायद 30% ही है, सफिशियंट है आंसर देने के लिए, आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो लेवल है वो धीमे 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 आपका लेवल बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन का। एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे उसमें वो डिफिकल्टी ऐड कर जाते हैं, ठीक है इसमें ये ऐड कर दो, उसमें वो निकाल दो, उसको डबल कर दो, इस तरीके से इसको हटा दो, अब ऐसे करके उनका एक रहता है कि डिफिकल्टी बढ़ाना है और तब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस तरीके से। अगर हाँ आप फंस रहे हो तो आपकी हेल्प करते हैं वो लोग, इस तरीके से चलेगा। तो मैंने वही स्टार्ट किया क्योंकि मैं लास्ट ईयर अपना इंटरव्यू दे चुका था और मैंने अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से पढ़ के दिया था लास्ट ईयर, लेकिन फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। हालांकि ये एक अच्छी बात थी मेरे लिए कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था, 44-45 मिनट्स तक। देन उसके बाद मेरा इंटरव्यू थोड़ा दिक्कत हो गई थी एक क्वेश्चन में, और वो कंटिन्यू चला, वो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया लेकिन वो मैं नहीं सॉल्व कर पाया क्वेश्चन भी, और थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। तो मुझे पता था कि वो इंटरव्यू किस तरीके का रहता है। तो धीमे धीमे जो मेरा सब्जेक्ट थे वो क्लोजिंग की तरफ थे और अब मैं इस तरीके से मोड में आ चुका था कुछ 15-16-18 के आसपास कि अब मैं अपने आप से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप का था कि मैं पढ़ रहा हूँ जो लास्ट ईयर बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं उनको, और मैं उसको आंसर कर रहा हूँ कि इस तरीके से कि जिसमें पैनल में बैठा हूँ कि सर इस तरीके से ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको आंसर कर दिया तो फिर मैं उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ वापस से जो मैंने आंसर दिया है, और मैं उनसे पूछ रहा हूँ अपने आप से कि अच्छा ठीक है इसके बाद ये ऐड कर दो, इसमें ये हटा दो, इसमें ये डबल कर देते हैं, इसमें तब क्या होगा, इस तरीके से। फिर मैं उसका आंसर दे रहा हूँ और देते देते मैं उस क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेवल बहुत इंक्रीज करता था। तो मैं काफ़ी आगे जाकर उसमें फंस जाता था कि ठीक अब मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो अब इस तरीके से हो गया था, मतलब कुछ मानो कि इस तरीके से प्लान हो गया था मेरा कि रात को मैं पढ़ते पढ़ते करते करते रात को मैं सो जा रहा हूँ, और सोने के बाद मैं ड्रीम ने सपने में यही चल रहा है कि क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम जो साइंटिस्ट थे उनकी इमेज थी, क्योंकि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उनसे, तो मैंने 1 घंटे फेस किया था तो उनकी इमेज थी। तो रात को सपने में मेरे वही चल रहा है कि वो लोग आ रहे हैं, वो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मैंने अभी पढ़ा है या फिर कल 1-2 दिन में पढ़ा है जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, मैं सपने में उनको आंसर दे रहा हूँ ड्रीम में, ये सब मेरे चल रहा है। फिर मेरा सुबह मेरा दोस्त नॉक कर रहा है, उठा रहा है मेरे को, मैं सुबह बता रहा हूँ कि भाई यार रात तो यार फिर यही हुआ कि मेरे साथ उन्होंने पैनल वालों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं आंसर कुछ कुछ क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कुछ कुछ के आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। तो कह रहा है बड़ी अच्छी बात है, अरे तो तेरा ऐसा हो रहा है तो ठीक है, बट वो कह रहा भाई तो सो जा क्योंकि तू 2-2-3-3 घंटे सो रहा है, ऐसा ना हो कि तू इंटरव्यू देने से पहले ही तू पागल हो जाए, ठीक है। तो ये सब भी फेज आया है, लेकिन 25-26 तक ऐसा हो गया था कि अब मैंने उस तरीके से पूरी चीज़ों को इतना इतनी बार NPTEL की वीडियो को, क्योंकि एक बार देखने के बाद तब तुम सेकंड टाइम वीडियो देखते हो तो तुमको आराम से तुम बढ़ा के उसको वीडियो देख सकते हो जो तुमको पार्ट देखना है बस, लेकिन फर्स्ट टाइम में तुम उसको स्किप मत करना। और जब तुम बार 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 तुम बुक को देख देते हो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे लिखा है, ये एग्जाम्पल वहाँ पे लिखा है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन पूछा है वो उसका कुछ सिमिलर क्वेश्चन उस बुक में ऐसा है तो उस क्वेश्चन में और क्या ऐड कर सकते हैं वो, इस तरीके से तो तुम उनसे वो थ्रू हो के इतना हो जाता है, तुम कॉन्फिडेंस मिल गया मेरे को 25-26 को कि हाँ मतलब मैं इस बार इस तरीके से था कि मेरा जो इंटरव्यू है वो इस बार बेस्ट जाने वाला है, मतलब मेरा सिलेक्शन पक्का है, ऐसा मुझे फील आने लगा था 26 की नाइट को, जो कि मेरा प्लान था कि मैं 26 तक ही पढ़ूंगा। 27 को मैं यहाँ से कोटा से बॉम्बे के लिए चला गया था BRC में इंटरव्यू देने के लिए, और 27 को निकला था और 28 को मॉर्निंग में पहुंच गया था मैं वहाँ पे, मैं और वो मेरा जो दोस्त था साथ में हम दोनों गए थे कि ठीक है इंटरव्यू देंगे देन उसके बाद हम थोड़ा बॉम्बे घूमेंगे। फिर हम 28 को गए वहाँ पे और हमने जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे जाके
हमें मतलब हॉस्टल में हमको रुकाया NBH में, और जो मैं और मेरा जो फ्रेंड था वो एक ही रूम में थे। तो अब मेरा ये टारगेट था कि 28 को पहुंच गया हूं, अब मैं जाके वहां पर जो लोगों का इंटरव्यू चल रहा है उनसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है ये सब। तो मैं वहां पर गया तो जो लोग इंटरव्यू के बाद बाहर निकल रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मायूस थे। कि मायूस किस लिए थे कि यार वो मतलब हमने कुछ गलती कर दी है, हमें क्या क्या गलती कर दी भाई तुम लोगों ने। तो कह रहे यार हम सभी लोग मतलब सब्जेक्ट ले गए हैं, वो सबका सब्जेक्ट कॉमन है कि हम सब हीट ट्रांसफर, फ्लूड मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स और सॉम बोल रहे हैं, चार सब्जेक्ट फिक्स किया हुआ है हर बच्चे ने, क्योंकि जितना भी यूट्यूब पर वीडियो है वो सभी लोग इस तरीके से बोलते हैं कि आप ये चार सब्जेक्ट कर लो, आपका इंटरव्यू इन्हीं में चलने वाला है। लेकिन BRC को तो क्या है, हर फील्ड में रिसर्च करना है तो थोड़ा वैरायटी चाहिए उनको। लेकिन हर बच्चा चार सब्जेक्ट बोल रहा है तो वो थोड़ा इरिटेट हो गए थे इस चीज़ से कि जिससे भी आ रहे हैं वो सेम ही सब्जेक्ट बोल रहा है बच्चा। तो इस तरीके से चल रहा था। तो मेरा खुद यही था कि मेरे पास पाँच सब्जेक्ट थे, मशीन डिज़ाइन था, बट चार सब्जेक्ट तो मेरे जो थे वही कॉमन ही थे। तो मैंने कहा तो प्रॉब्लम है। तो एक बच्चा था कि वो आया इंटरव्यू देने के बाद, मैंने उससे पूछा हाँ भाई कैसा हुआ इंटरव्यू, तो वगैरह यार अच्छा हुआ इंटरव्यू ये वो। तो मैंने कहा सब्जेक्ट के बारे में क्या, तो बोला कि मैंने लिखा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले, फिर मैंने लिखा थर्मोडाइनमिक्स। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीछे से बोला अच्छा ठीक है नेक्स्ट सब्जेक्ट तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, तो क्या जी सर, और नेक्स्ट तुम्हारा हीट ट्रांसफर होगा, क्या जी सर, ठीक है। तो इस तरीके से भी हुआ। तो ये प्रॉब्लम थी जो इस बार नहीं होनी चाहिए, जब मैं एक अपना टेक्निकल वीडियो डालने वाला हूँ कि टेक्निकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या है कैसे, तब मैं बोलूँगा कि बताऊँगा आपको कि ऐसे नहीं करना है। इस बार आप 5 से 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें से आप कोई भी 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, और अपने आप को मतलब फिक्स मत करो कि मुझे यही 4 करने हैं, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद 29 को भी मैंने इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस बच्चे आ रहे थे उनसे पूछा हाँ भाई कैसा इंटरव्यू हुआ तुम्हारा, क्या तुमसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो अब मैं इतना अच्छे से कॉन्फिडेंस से गया था, बट इस बार जब मैं गया तो मैंने देखा कि यार जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें से 80% तो मैं मुझे पता था हाँ इसका आंसर ऐसे हुआ, मैं उनको बता भी रहा हूँ भाई इसका आंसर ये था, हाँ भाई ऐसे हमने दिया, भाई इसका आंसर ये था क्या भाई, मैं तो ऐसे दिया, मैं कहनी भाई तुमने गलत दिया है, इसका आंसर ये था। और 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को समझ ही नहीं आ रहे हैं कि मतलब किस तरीके से सॉल्व करूँ उसको मैं। मतलब उस टाइम पे एक क्वेश्चन था जो 5 से 6 लोगों से पूछा गया था 29 को, और उसमें एक ही क्वेश्चन में उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लू क्या बोलते हैं उसको, हीट ट्रांसफर और फ्लूड मैकेनिक्स तीनों डाला हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन था वो, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मुझे समझ में नहीं आया। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है यार मैं जाके ये क्वेश्चन आएगा तो वहीं पर जाके सॉल्व करूँगा। मतलब दिमाग लगाया नहीं सॉल्व हो रहा, क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं आया था अपने साथ, कोई नोट्स नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं 26 को क्लोज करके अपने सारा कुछ घर पे रख के आया हुआ था। मैं कहा जो भी पढ़ा हुआ है उसके साथ जाएंगे 30 को फ्रेश माइंड से, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस था वहाँ पर कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में सॉल्व कर पा रहा हूँ। उसके बाद मैं 30 आया, मैं सुबह सुबह अपना मस्त नहा धो के और भगवान को याद करके मैं गया। और उसके बाद मैं गया तो जाके देखा कि पहले क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है कि उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपसे लिया है, मांगा है, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, वो एक प्रोसेस होता है वहाँ पर। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम मैंने कराया वहाँ पर जाके। उसके बाद एक वेटिंग रूम था, वहाँ पर हमको सबको बैठाया और एक नंबर दिया था उसके अकॉर्डिंग कि 1 से 30 तक कुछ नंबर था जिसमें हम वेटिंग रूम बैठे थे। वो 1 by 1 टोटल क्या है मैकेनिकल का, वहाँ पे 6 कमेटी था, 1 to 6 कमेटी, तो कमेटी 1 by 1 बुला रहा था। तो मेरा कुछ 17 नंबर था उस दिन और कमेटी 6 था। तो लंच से पहले मतलब पहले 6 बच्चे गए होंगे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जैसे ख़त्म हुआ नेक्स्ट बच्चा जाएगा, ऐसे करके 3 राउंड ऑलमोस्ट ख़त्म होने थे। 18 या 19 बच्चों का होना था लंच से पहले, बाकी का लंच के बाद होना था। तो मेरा लंच के पहले मेरे को कॉल किया जो मेरी कमेटी था, अराउंड 11 के आसपास मेरे को कॉल किया हुआ, 11 या 11:30 के आसपास, और मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो मेरा जो इंटरव्यू था वहीं से स्टार्ट हुआ था कि आपने लास्ट ईयर BRC का इंटरव्यू दिया है। तो मैंने कहा जी सर मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया है BRC का। तो इसमें एक मजाक का एक पॉइंट है कि जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं अपने माइंड में ऐसे
डिस्कस कर रहे थे मैं और मेरा फ्रेंड कि यार मैं लास्ट ईयर BRC का इंटरव्यू दिया हूँ, इस बार मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो एक अच्छा इम्पेक्ट जाएगा साइंटिस्ट लोगों पर कि यार ये बंदा काफ़ी डेडिकेटेड है BRC को लेके, इस बार फिर आया है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और मैं इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस में था और मैंने इसके लिए और अच्छे से मेहनत किया था कि भाई इस बार तो एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। देन उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गया, तो जब 8:28 को नाइट को वहाँ पे खाना खा रहे थे मैस में, तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे SOD, तो ऐसे से मेरी मुलाकात हुई, वो भी खाना खाने आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसे से हमारा इंटरव्यू, बोले वेरी गुड, अच्छे से इंटरव्यू दो ना ये वो। तो मैं बताया सर मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया है, तो वो कह रहे नहीं देखो अगर आप एक बार इंटरव्यू दे चुके हो तो नेक्स्ट टाइम में आपका थोड़ा कम चांस होता है। तो मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे तो देख रहे हैं, अपने हंस रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या हो गया। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसे ऐसे हम ऐसे मान के बैठे थे। तो वो कह रहे नहीं वैसे इसका कोई ज़्यादा इतना बड़ा पॉइंट है नहीं, बट फिर भी ऐसे एक जनरल पॉइंट है। मैं कहा ठीक है ठीक है, तो वापस चलते हैं उसी पॉइंट पर। तो उन्होंने कहा लास्ट तुमने इंटरव्यू दिया था? मैंने कहा जी सर मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने पूछा कि क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो कह रहे चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। मैं कहा जी सर इस बार पक्का सिलेक्शन होगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। तो सब लोग हंसने लगे कि मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो सर जब उन्होंने कहा कि बहुत कंफर्टेबल है, तो एक मिनट के बाद ही बोले ठीक है तो स्टार्ट करें। मैं कहा जी सर, तो मैं तुरंत खड़ा हो गया कि जी सर। तो उसके बाद क्या है, उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे और एक एक क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने वो अराउंड 22 मिनट तक चला, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी अराउंड इतना चला। तो मेरे से टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, क्योंकि मैंने 4 से 5 सब्जेक्ट ही उनको बताए थे जब उन्होंने मेरे से पूछा था अच्छा ठीक है तुम अपना सब्जेक्ट लिखो, तो मैंने 5 सब्जेक्ट लिखा था। हाँ एक ये इंपॉर्टेंट था कि जब मैं बताया था आपको कि भाई बच्चों को इस तरीके से कर रहे थे, तो मैंने इसलिए क्या किया, उन्होंने लिखा बोला कि सब्जेक्ट लिखो अपने, उन्होंने बोला नहीं था कि 4 लिखो 5 लिखो 3 लिखो, लेकिन मैंने 5 के 5 लिखे थे। तो मैंने इस तरीके से लिखा था कि पहले हीट ट्रांसफर में वो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि हीट ट्रांसफर में जो NPTEL का वीडियो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है उन्होंने सर ने, ठीक है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। उसके बाद मैंने लिखा थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि जो थर्मोडाइनमिक्स है वो जो NPTEL पे हैं अपने IIT खड़गपुर के साथ थे उन्होंने प्रोफेसर ने पढ़ाया था, बहुत शानदार पढ़ाया था उन्होंने, मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आया था उसमें। फिर मैंने उसके बाद क्योंकि अब चेंज करना है तो मैंने नेक्स्ट लिखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर मैं गया था हीट ट्रांसफर, देन लिखा था मैंने मशीन डिजाइन इस तरीके से। तो 5 सब्जेक्ट लिखा था, तो एक पॉजिटिव तो रहा होगा कि ठीक है बिना बोले बंदा 5 सब्जेक्ट लिख रहा है। तो ये था, और उसके बाद जो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन जैसे पूछे, क्या मैंने आंसर किया और डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पूरा डिस्कस करूँगा कि मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे, ओनली टेक्निकल क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट। देन उसके बाद ये मेरा इंटरव्यू ओवर हुआ, यहाँ पे कुछ 1 घंटे 22 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। 1 घंटे 22 मिनट इंटरव्यू चलने के बाद बीच में मेरे मन में ये बार बार ख्याल आ रहा था कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता था उनकी हेल्प के बाद, तो लगता था हाँ मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये मेरे साथ बहुत चला, अप एंड डाउन बहुत हुआ, और ऐसे करते करते जो लास्ट क्वेश्चन था वो मेरा इस तरीके से था कि उन्होंने बोला कि चलो इसका आंसर दो, तो मैंने उनको आंसर दिया, तो क्या ठीक है वेरी गुड आंसर सही है आपका, लेकिन एक कुछ अलग तरीके से आंसर दो। मैंने दोबारा सोचा ये वो उनकी हेल्प से दोबारा सॉल्व किया, ठीक है ये भी सही है बट और कुछ हट के सोचो। तो फिर मैंने और सोचा सर ऐसे वैसे ऐसे पूरा एक्सप्लेन किया दोबारा, फिर एक्सप्लेन किया हाँ ये भी ठीक है बट जो हम जाना चाहते हैं आप वो बता नहीं रहे हो। फिर जो एक मतलब साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ठीक है ओके तुम्हारा मतलब तुम्हारा हो गया ठीक है। तो मैं ऐसे पीछे घूमा तो मैंने देखा, तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारा इंटरव्यू ओवर हो गया। फिर सब थोड़ा हंसने लगे, थोड़ा मुस्कुराने लगे, और उसके बाद वो बोले कि ठीक है तो तुम जाओ। तो मैंने एक उनको एक स्लिप देते हैं, स्लिप पर उन्होंने साइन किया और उसके बाद बोले ओके भी थैंक यू। मैं कहा ओके थैंक यू सर। वहाँ से मैं उसके बाद मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया। मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरा इंटरव्यू 1 घंटे 22 मिनट चला है, और 1 घंटे 22 मिनट चलने के बाद मतलब वो जो तो अंदर था मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरा इंटरव्यू कुछ 40 to 45 मिनट चला है, मतलब तुमको टाइम का पता चलेगा ही नहीं इस इंटरव्यू का, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही इंटरव्यू ओवर हुआ तो मैं बाहर आया,
बाहर आने के बाद मेरा दोस्त था उससे डिस्कशन हुआ, तो मैंने काफ़ी कुछ मतलब चीज़ों को रिकॉल किया, भाई ये क्वेश्चन पूछा, ये आंसर दिया ऐसे ऐसे। तो मतलब वो बोला कि यार तेरा तो कुछ मतलब ऐसा था ही नहीं कि तूने नहीं बता पाए हो, मैंने तो उनकी हेल्प के बाद। तो मैं कहा हाँ यार ऐसा कुछ तो था नहीं, लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से था। तो वो कहा हाँ ठीक है, मतलब अप्रोच तेरी थी ना। मैं कहा हाँ, तो कहते सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा भाई। तो ये उठा उसके बाद हम बोले ठीक है, तो ऐसा पॉजिटिव लगा कि हाँ सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो उसके बाद हमने बॉम्बे मस्त 4-5 2-3 दिन चिल किया, और चिल करने के बाद वापस आया मैं। तो इस बीच मेरी एक और जॉब लग चुकी थी, वो मैंने जाके दिल्ली डायरेक्ट ज्वाइन किया, और अच्छी खासी सैलरी दे रहे थे वो लोग। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक दिन जॉब किया, मैं 3 को पहुंचा था, ज्वाइन किया, 4 को मैंने पूरे दिन काम किया वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाला, और 5 को मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया, टीचिंग लाइन का जॉब था। और मैं वो काम करने के बाद आके मस्त सोया हुआ था कि आज का तो हो गया। देन 5 तारीख को शाम को मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे कॉल आने के बाद मैंने उठा तो मैंने देखा हाँ भाई क्या हो गया, दोस्त का कॉल था कि भाई तेरा BRC में सिलेक्शन हो गया, तो साइंटिस्ट बन गया। तो मतलब ऐसा था, डर था कि मैं जैसे ड्रीम में ही हूँ, लेकिन वो रियलिटी थी। मैं उठा देखा सच में सिलेक्शन हो गया है, पापा को कॉल किया तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ। तो उसके बाद की जो बात है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी इसके बाद। तो अभी के लिए इतना ही है इस वीडियो में। अभी नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो यही रहेगा कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा टेक्निकल, किस किस तरीके से मैंने आंसर किया उनको, ठीक है। और जो क्वेश्चन मेरे से पूछे उनको मैंने अप्रोच कैसे किया है, क्योंकि वहाँ पर अप्रोच बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में आपकी अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपको, टेक्निकल ओनली टेक्निकल रहेगा। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था।